प्यारे बच्चों, सुप्रभात। कक्षा 3 में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण का दोहराव कार्य करेंगे। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में जैसे आपका क्वेश्चन पेपर आता है एग्जाम में, ठीक उसी पैटर्न से हम लोग दोहराव कार्य करेंगे। बच्चों, हिंदी लैंग्वेज के एग्जाम में आपके क्वेश्चन पेपर में आपके पाठ्य पुस्तक से अनमोल रत्न से और व्याकरण आनंद पुस्तक से दोनों से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको दोनों ही पुस्तक को पढ़ना होगा। तो आइए अभी हम अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इनसे दो दो संयुक्ताक्षर शब्द बनाए। संयुक्ताक्षर, बच्चों संयुक्ताक्षर का अर्थ क्या होता है? दो व्यंजन अक्षरों के मेल से जो अक्षर बनता है उसे संयुक्ताक्षर बोलते हैं। ये दोनों अक्षर एक साथ जुड़े होंगे, इस तरह से ये संयुक्ताक्षर दिया हुआ है। इससे आपको दो शब्द बनाना है, तो दो शब्द आप बताइए। क क संयुक्त से, क क संयुक्त से दो शब्द, जैसे चक्का और मक्का भी लिख सकते हैं। तो क क से ये दो संयुक्ताक्षर शब्द हो गए। अब न या संयुक्त से बनाइए दो संयुक्ताक्षर शब्द। क्या बनाएंगे? एक हो गया आपका न्याय और दूसरा हम लिखेंगे न्यारा, इस तरह से ये संयुक्ताक्षर हो गए। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न संख्या 2, कबड्डी पर 3 वाक्य लिखे। बच्चों, आपने निबंध पढ़ा था कबड्डी पे, तो अभी हम लोग 3 वाक्य लिखेंगे कबड्डी पे। बच्चों, अभी हम वाक्य लिखेंगे। कबड्डी हमारे देश का प्रसिद्ध खेल है। कबड्डी हमारे देश का प्रसिद्ध खेल है, इस तरह से पहला वाक्य हो गया। अब हम लोग दूसरा वाक्य लिखेंगे। पहला वाक्य क्या है? कबड्डी हमारे देश का प्रसिद्ध खेल है। दूसरा वाक्य, कबड्डी सबसे आसान और सस्ता खेल है। कबड्डी आप सब खेलते हैं ना, बहुत मजा आता है उसमें। कोई सामान सामग्री आपको नहीं चाहिए होती है, आप बस मैदान में जाइए और कबड्डी खेलिए। कबड्डी सबसे आसान एवं सस्ता खेल है, इस तरह से दूसरा वाक्य हो गया। अब हम लोग तीसरा वाक्य लिखेंगे। कबड्डी जब हम लोग खेलते हैं तो जब तक हम लोग फुर्ती से नहीं खेलेंगे तो मजा नहीं आएगा, इसलिए कबड्डी खेलने में चुस्ती और फुर्ती आती है। इस खेल से शरीर में चुस्ती और फुर्ती आती है, आती है। इस खेल से हमारे शरीर में चुस्ती और
अगर चुस्ती फुर्ती से हम लोग नहीं खेलेंगे तो आउट हो जाएंगे। कबड्डी तो आप लोग खेलते होंगे, बहुत मजा आता होगा, है ना? तो बच्चों अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों प्रश्न संख्या 3 देखिए, वायुयान पर 3 वाक्य लिखिए। बच्चों निबंध अभी हमने लिखा है कबड्डी के ऊपर ना, तो किसी के बारे में 3 वाक्य या 5 वाक्य जैसा आपके प्रश्न पत्र में आएगा, ठीक जितना वाक्य कहेगा आपको उतना वाक्य लिखना होगा। वायुयान से सफर करने में समय कम लगता है। आज का वायुयान सभी सुविधाओं से युक्त है। वायुयान का आविष्कार ऑर्विल राइट और विल्बर राइट ने किया था। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों अभी हम लोग कहानी पढ़कर प्रश्नों के उत्तर करेंगे। यहाँ जैसे आप देखिए, कहानी पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दे। किसी जंगल में एक साधु महात्मा रहते थे, उनका नाम केशवानंद था। केशवानंद जी के साथ उनका एक शिष्य रहता था, नाम था सोमराज। केशवानंद आंखों से अंधे थे, परंतु थे पहुंचे हुए। वे विद्वान और प्रभु भक्त थे। सोमराज उनसे पढ़ा करता था और उनकी कुछ सेवा भी कर देता था। केशवानंद और सोमराज का निर्वाह भिक्षा से होता था। तो बच्चों ये कहानी आपको पढ़ना है और कहानी पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखना है। जैसा कि यहाँ प्रश्नोत्तर है, आप प्रश्न देखिए, सोमराज किससे पढ़ा करता था? तो सोमराज किससे पढ़ा करता था, यहाँ देखिए आप लोग, सोमराज केशवानंद से पढ़ा करता था। आपको कहानी से खोज के आंसर लिखना होगा। सोमराज केशवानंद जी से पढ़ा करता था। ये हो गया। अब दूसरा प्रश्न देखिए, उन दोनों का निर्वाह कैसे होता था? तो यहाँ क्या लिखा है, केशवानंद और सोमराज का निर्वाह भिक्षा से होता था। उन दोनों का निर्वाह भिक्षा से होता था। पुनः विराम। बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इनके विलोम शब्द लिखे। बच्चों विलोम शब्द लिखना है, यहाँ दिया हुआ है आपको विद्वान का विलोम और एक का विलोम, यानी कि उल्टा। विद्वान का विलोम क्या होगा? विद्वान का विलोम होगा मूर्ख, और एक का विलोम होगा अनेक। तो इस तरह कहानी पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दिया रहेगा, आपको वो लिखना है। उसके साथ में विलोम शब्द दिया रहेगा, उसी में दिया रहेगा, जो भी आपकी कहानी में आएगा उसी से रिलेटेड। तो बच्चों आप अच्छे से, ये आपके वेबसाइट पे चला जाएगा रिवीजन वर्क, आप अच्छे से इसका मौखिक और लिखित अभ्यास कीजिएगा। धन्यवाद।